जो बाम सेफ से नहीं निकलेगा, जो सामाजिक आंदोलन से नहीं निकलेगा, वो बहुजन नहीं हो सकता है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। जो सामाजिक आंदोलन से नहीं निकलेगा, सामाजिक आंदोलन में नहीं पकेगा, जो सड़क से नहीं निकलेगा, वो बहुजनों का नेता नहीं हो सकता है। और नेता हो भी गया तो वो एक परिवार का भला तो कर सकता है, समाज का भला नहीं कर सकता। और जहां से मनुवादियों ने हमको जाति में बांटा था, यकीन मानिए हम फिर वहीं पहुंच गए। तरक्की मिला संविधान से, तरक्की का रास्ता संविधान ने दिया। अगर संवैधानिक प्रावधान नहीं होता तो तुम बड़े मेहनत करते डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, सीएम, पीएम नहीं बन पाते, लिखवा लो मुझसे। और मीडिया की ताकत का अंदाजा बताऊं, सरकारें बनती नहीं है सिर्फ, इस देश में मीडिया ही सरकार बनाता है। मैं बहुत इस समय बहुत शॉक्ड हूँ। भंते जी हैं और हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो भंते जी हैं उनकी मदद की जाए, और उन्होंने मेरी आर्थिक मदद की, और मैं शॉक्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। सोचिए हम लोग एक समाज के तौर पे किस हालत में हैं। मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार खबर बना रहा हूँ कि देश भर में बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू है, लेकिन मैं 24 से बोल रहा था, 24 से लेकर 28 तक नागपुर में है, प्रयागराज में है, दिल्ली में है, बलसार में है, बहुत सारे लोग बामसेफ चलाते हैं और मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ। कल भी मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं नेशनल स्तर पर, कि बहुजन समाज को बामसेफ से जुड़ना चाहिए और बामसेफ से निकल के जो लोग राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी में जाएंगे, वो समाज के लिए, संविधान के लिए और इस देश के लिए ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि वही इस देश की इस दशा दुर्दशा को समझते हैं। मैं इतना तो एकदम यकीन, आप लोग संख्या पर मत जाइए, मैं इतना यकीन मानता हूँ कि जो भी आदमी बामसेफ से जुड़ गया वो बहुजन सर्टिफाइड बहुजन है, चाहे किसी बामसेफ से जुड़े। ये जरूरी नहीं कि उनका वाला अच्छा है, उनका वाला खराब है, उनका नकली, उनका ओरिजिनल, इस बहस में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। इसलिए हम लोग दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री क्यों बने? क्योंकि एक साथ पार्टी शुरू करने वाले 3 ब्राह्मण थे, ब्राह्मण समाज के, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। तो एक गृह मंत्री बना, एक एजुकेशन मिनिस्टर बने और तब एक प्रधानमंत्री बने। हमारे समाज में शायद सामंजस्य की कमी है, सब एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन चलिए, एक अशिक्षित समाज, कम पढ़ा लिखा समाज, गरीब समाज, शोषित समाज, हम लोगों को मानसिक रूप से ही तो कमजोर रखा गया है। हमें जाति, आज फिर हम लोग जाति में बट गए। आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 10,000 जातियां बना दी गई हमारी मनुस्मृति में, और तमाम मनुवादी लोगों ने हमारी जाति बना दी। और आप जानकर हैरान होंगे कि बाबा साहेब ने संविधान में जाति खत्म कर दी और हमें संवैधानिक नाम दिया, SC ST OBC जनरल अल्पसंख्यक, ये जमात बनाया। आज हम लोग फिर से कुर्मी, यादव, कोयरी, अहीर ये बन रहे हैं और अपने जात के नेताओं को वोट दे रहे हैं, SC ST OBC को वोट नहीं दे रहे हैं। और इसी का फायदा आज RSS उठा रही है। मैं तो एकदम पॉलिटिकल बात करूंगा, मैं ज्यादा, मुझे इतिहास तो आता है, पढ़ा लिखा कम हूं। तो पॉलिटिकल बात यह है कि आज RSS यादव को मुख्यमंत्री, एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री, और जो RSS से निकला हुआ आदमी है उसको हम अपनी, उसमें हम अपनी जाति देख रहे हैं। जो बामसेफ से नहीं निकलेगा, जो सामाजिक आंदोलन से नहीं निकलेगा, वो बहुजन नहीं हो सकता है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। एकदम मुझसे लिखवा लीजिए, जो भी, जिसकी सोशल नैरेसिंग नहीं होगी, जो सामाजिक आंदोलन से नहीं निकलेगा, सामाजिक आंदोलन में नहीं पकेगा, जो सड़क से नहीं निकलेगा, वो बहुजनों का नेता नहीं हो सकता है। और नेता हो भी गया तो वो एक परिवार का भला तो कर सकता है, समाज का भला नहीं कर सकता। आप देखिए, नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा दिया, रिजर्वेशन लागू कर दिया 65%। लालू यादव, मानवर कांसी राम साहब आंदोलन से निकले थे, बहन मायावती जी आंदोलन से निकली है, देखिए उनका ऐतिहासिक काम। मैं कोई गुरेज नहीं करता हूं सच बोलने में,
शिबू सोरेन आंदोलन से निकले थे, करुणानिधि आंदोलन से निकले थे, दलित पिछड़े आदिवासियों का डर पता था, पेरियार के आंदोलन से निकले, मैं दिन रात आंदोलन चला रहा हूं, तो बहुजन समाज को बामसेफ से निकला हुआ, सामाजिक आंदोलन से निकला हुआ, भीम आर्मी से निकला हुआ, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि उसकी पूरी पॉलिटिकल नैरेसिंग कहां से हुई है। अगर हम लोग जब तक जाति देखकर वोट करेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा, हम लोग को SC ST OBC जमात देखकर वोट करना पड़ेगा और हमें जमात देखकर नेता बनाना पड़ेगा कि हमारे समाज में कोई कुर्मी कोई यादव मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो 27% रिजर्वेशन लागू ना करे। भूपेश बघेल ने नहीं किया, अशोक गहलोत ने राजस्थान में नहीं किया, तो कैसे बहुजन हो गया भाई? 27% नीतीश कुमार ने 65% रिजर्वेशन कर दिया, करुणानिधि ने 69% रिजर्वेशन कर दिया, अर्जुन सिंह ने हमको हाई स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया। तो हम तो काम देखेंगे ना, लेकिन हम लोग जाति देख रहे हैं। और जहां से मनुवादियों ने हमको जाति में बांटा था, यकीन मानिए हम फिर वहीं पहुंच गए। हम सब अपनी अपनी जाति देख रहे हैं और मैं काम देख रहा हूं, मैं बहन जी का काम देख रहा हूं, मान्यवर साहब का काम देख रहा हूं, लालू यादव नीतीश कुमार का काम देख रहा हूं, स्टालिन का काम देख रहा हूं, मुझे काम दिखता है, मुझे जाति नहीं दिखती है भाई साहब। इसलिए बहुत लोग मेरी भी जाति ढूंढते हैं, मेरी जाति बहुजन है, मेरी जाति बामसेफ है, मेरी जाति जय भीम है, मेरी जाति नमो बुद्धाय है, मेरी जाति संविधान है, मेरी जाति शोषित वंचित दलित इस देश के 90% आबादी है। और जब तक आप लोगों की ये राजनीतिक चेतना नहीं बढ़ेगी, हम एक समाज के तौर पे विफल रहेंगे। आप बताइए, ममता बनर्जी भी सवर्ण है, नवीन पटनायक भी सवर्ण है, कांग्रेस भी सवर्ण है, बीजेपी भी सवर्ण है, लेकिन सवर्ण समाज का वोट कहाँ जाता है, किस पार्टी को जाता है बताइए? पहले कांग्रेस को जाता था, बीजेपी को जाता है। कोई ऐसा दलित पिछड़ों का पार्टी है जिसमें सवर्ण नेता नहीं है? BSP में नहीं है, RJD में भी है, RJD का तो प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर साहब है। सपा बसपा RJD JDU JNM सबके सब पार्टियों में सवर्ण नेता है। सवर्ण आपको वोट देता है? हमको सवर्ण समाज से सीखना चाहिए कि वो करता क्या है वही करना चाहिए। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है, हमें भी पढ़ाना चाहिए। वो अपने समाज को देखकर आइडियोलॉजी को देखकर वोट देता है, हमें भी देना चाहिए। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? रिजर्वेशन बचे, संविधान बचे, सोशल जस्टिस लागू हो। तो हमारा इतिहास बहुत गौरवमयी है, हम सब जानते हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे पास गरीबी है, लेकिन हम शर्मिंदगी वाले काम करने वाले लोग हैं। हम चोरी नहीं करते हैं, हम बेईमानी नहीं करते हैं, हमने देश को धोखा नहीं दिया है, हमने इंसानों को धोखा नहीं दिया है। अरे हम तो उनके वंशज हैं, सम्राट अशोक के, जिन्होंने सिकंदर के देश में दवाइयां भिजवाई। जिस सिकंदर ने हमारे ऊपर हमला किया, उसकी तीसरी चौड़ी पीढ़ी के बाद यूनान में जाकर अशोक ने दवाइयां भिजवाई। हम तो उनके वंशज हैं जिनके राजाओं ने सील पर ध्यान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक को कितने शादियां की, सिलवान लोग थे, चरित्रवान लोग थे। हमारे वंशज तो वो थे जिनके घर से सिकंदर सिंधु नदी पार नहीं कर पाया, घनानंद के घर से। तो इतिहास भी है और वर्तमान में भी यही है कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्धमय हैं, हमारे दिल में करुणा है। हम धोखा नहीं दे सकते, हम छल प्रपंच नहीं कर सकते। इस देश का आदिवासी दलित पिछड़ा एक भी बताइए जो बैंक लूट के भागा हो। हमको तो झूठ के कॉन्स्पिरेसी करके खीरा चोरी के आरोप में जेल में बंद किया हुआ है। तो ये सारी बातें बोलनी पड़ेगी। और हमें, मैं एक बात और कह रहा हूं कि जितना SC ST OBC और किसान जाति के लोग जिसको बहुजन कहते हैं घर में बैठे हुए हैं, और उनको देखिए दो तरह के लोग हैं। जैसे एक मेरे माँ बाप हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बकरियां पालते हैं, मजदूर हैं, तो वो उनको पता ही नहीं है। उनको तो जिला का नाम नहीं पता है, राज्य का नाम नहीं पता है, गांव का नाम नहीं पता है। उनको कोई वोट देने के लिए कहता था, वहां जाके वोट दे देते हैं, वो भी पहले वोट नहीं डालने देता था।
जब कुछ नियम कानून सख्त हो गया, वोट डालने की बारी आई तो देता है, तो कभी 150 रुपया भी दे देता होगा, चलिए कुछ खिला पिला देता होगा काहे पर, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो मेरी शिकायत उनसे नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे, जो मनुवाद के सबसे ज्यादा शिकार है, मेरी शिकायत उनसे बिल्कुल नहीं है। मेरी शिकायत उनसे है मेरे जैसे लोग, जो IIMC से पढ़ा, जिसके शरीर पर कोट है, कपड़ा है, जो संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन ले रहा है, जो नौकरियों में है, बिजनेस में है, बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, और अगर उसे लगता है कि वो अपनी मेहनत से सब हासिल कर रहा है, तो मुझे उनसे तकलीफ है। अरे मेहनत तो हमारे बाप दादा भी करते थे, अरे मेहनत तो रिक्शा वाला करता है, मजदूर करता है, ठेला रिक्शा बिल्डिंग बनाने वाला किसान मेहनत करता है, मेहनत से तरक्की मिलती है। तरक्की मिला संविधान से, तरक्की का रास्ता संविधान ने दिया। अगर संवैधानिक प्रावधान नहीं होता तो तुम भले मेहनत करते, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP, CM, PM नहीं बन पाते, लिखवा लो मुझसे। वो बाबा साहेब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर संवैधानिक व्यवस्था किया है, और सोचिए जब संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बाद भी आज क्या हो रहा है। जो जातियां, जाति के नाम पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जाति के नाम पर गांव में आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़े समाज के लोग जो जातिवाद करते हैं, वो SC ST एक्ट में जेल भी जा रहे हैं। और वही SC ST OBC के लोग, वही लोग जो गांव में जातिवाद जिनके दिमाग में भर दिया गया, उनके बच्चों के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जातिवाद हो रहा है, उनको पते नहीं है। वहां वो बकरी के लेकर, गन्ना को लेकर, बैर को लेकर, खीरा को लेकर झगड़ा करते हैं, और उनका भी बच्चा लक्ष्मण यादव बन जाता है, नौकरी से निकाल दिया गया, रोहित में मुला हो जाता है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसी का कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सबकी हालत हम लोगों जैसी है। इस देश में सबसे जो ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है वो समाज है शेड्यूल कास्ट, और आज शेड्यूल कास्ट के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, बाकी दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं है। जो समाज लड़ रहा है उसको मिलेगा भी। OBC के लोगों को सोचना है कि उनका क्या होगा। 60% की आबादी वाला OBC हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है भाई साहब, PhD नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, और शेड्यूल कास्ट के लोग इस देश में सबसे ज्यादा संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनसे सरकार थर थर कांपती है, डरती है। ये उनकी यूनाइटी का नतीजा है, क्योंकि वो ग्लोबली यूनाइट है। और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि इस देश को बहुजन बनाऊं, SC ST OBC किसान कम्युनिटी को एक साथ करूं, तब जाकर ये देश बेहतर होगा। हम लोग क्या चाहते हैं, हम किसी का भला नहीं चाहते, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हम इस देश की भलाई चाहते हैं। इस देश के शोषित वंचित, जब ये देश कब मजबूत होगा, जब इस देश का हर नागरिक मजबूत होगा, हर नागरिक अमीर होगा, हर नागरिक को बराबर का मौका मिलेगा, इस देश की सेना मजबूत होगी। हमारी लड़ाई कोई खेत जोतने की है कि हमारा जमीन लौटा दो, इस देश को मजबूत करने की लड़ाई है। इसलिए हमें डंके की चोट पर बोलना चाहिए कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम मूल निवासी हैं, हम इस देश को सबसे मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं कि इस देश का हर आदमी को बराबर का अधिकार मिले, और जितना ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जितना ज्यादा सेना को सहूलियत मिलेगी, उतना ज्यादा ये देश मजबूत होगा। मनुवादी मतलब क्या होता है, जो चाहता है कि हम अपना घर भरे और बाकी लोग गरीब रहे। इस देश के जो मनुवादी हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो गुलछर्रे उड़ाए और बाकी लोग उनकी नौकरी करें। वो हमें मारना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम लाचार रहें, गरीब रहें, ड्राइवर बने, सफाई वाला बने, मजदूर बने, मतलब उनको मुफ्त में मजदूर चाहिए। और अगर आप मजदूरी कीजिएगा तो बाबू सोना, हमारे साथ खाना खाओ, हमारे घर में रहो, लेकिन आपकी शादी नहीं हो सकती उस घर में, आपको सम्मान नहीं, ये चापलूसी है। और अगर आप मजबूत बनेंगे तो शादी ब्याह भी करेंगे। तो हमें मजबूत बनना है, लेकिन एक बात लास्ट कह रहा हूं, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं और मुझे पता है यहां जो भी बैठा हुआ है वो हमसे ज्यादा समझ रखता है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। बस मेरा मुझ में यही और आप में फर्क है कि मैं 365 दिन 24 घंटा यही करता हूँ, काम ही यही है, पत्रकार हूँ,
आप लोगों को अपना परिवार भी चलाना है, घर भी चलाना है, समाज को फिर टू सोसाइटी भी करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बातें समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो मैं यही समझा हूँ कि अब जातिवाद जो गांव में है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब जो शहरों का जातिवाद है उससे हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा है। अब जो जातिवाद है, एकमात्र किला है मीडिया, वो जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। आज एससी एसटी ओबीसी के लोग इक्का दुक्का हाईकोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में है, मीडिया में नहीं है भाई साहब, अखबार में टीवी में नहीं है। जातिवाद का अंतिम किला क्या है? मीडिया। और मीडिया की ताकत का अंदाजा बताऊं, सरकारी बनती नहीं है सिर्फ, इस देश में मीडिया ही सरकार बनाता है। सोचिए 10 साल इग्नोर किया मीडिया ने कांग्रेस का, क्या हालत हो गई। और बहुजनों को तो 75 साल से इग्नोर कर रहा है, बाबा साहेब उस सब को इग्नोर कर रहा है। तो बिना मीडिया के कुछ नहीं होगा, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। अभी एक युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, इजराइल सुपर पावर है, सही में ताकत है उसके पास, जहाज मिसाइल सब कुछ, और उसने पिछले 75 साल में प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमास आतंकी है, फिलिस्तीन आतंकी है, और दुनिया ने उसका साथ छोड़ रखा था क्योंकि मीडिया नहीं थी उसके पास। और सोशल मीडिया का नतीजा देखिए कि आज 153 देश दुनिया का फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई कि निर्दोष लोगों को तो इजराइल मार रहा है, हमास तो इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है, और पूरी दुनिया ने मान लिया कि असली आतंकवादी कौन है? इजराइल। उसी तरह से सोशल मीडिया न होता तो आज हमको आप नहीं जानते, हम नौकरी तो 18 साल से मीडिया में कर रहे थे। तो बहुजनों का असली जो अधिकार मिलेगा वो सोशल मीडिया से राजनीतिक सामाजिक आर्थिक ये सारे अधिकार मिलेंगे। रोज लक्ष्मण यादव जैसे लोग होते थे, रोज डॉक्टर रितु होता था कोई नहीं जानता था, रोज रोहित वेमुला होता था, 13,000 SC ST OBC के छात्रों को ड्रॉप आउट किया गया IIT IIM से, रो आप निर्देश सिंह को कैसे जानते हैं? सोशल मीडिया नहीं होता तो हम तो नहीं जानते। तो ये सोशल मीडिया हमारा हथियार है, और लोकतंत्र में हम सबको बोलना जिस दिन हमने शुरू कर दिया हमारी जीत होगी। और पावर सेंटर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, इन सब जगहों पर नजर रखनी पड़ेगी और आपको बोलना पड़ेगा। और एक लास्ट लाइन कह रहा हूं, अब जातिवाद का शिकार हमारे माँ बाप नहीं हो रहे हैं, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, वो जातिवाद का शिकार नहीं है, वो तो बेचारा मजदूर है। अब जातिवाद के शिकार हम जैसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, जज है, कलेक्टर है, इसलिए उनकी उनको जरूरत है कि समाज के लिए सर को पढ़ाए, समाज को एकजुट करे और बोले, नहीं तो मनुस्मृति लागू होने में ज्यादा दिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।